अधीक्षक के आदेशों को ताक पर रखती है। जी हां, आपको बता दें कि एक ऐसा ही मामला थाना ककवन में 2014 को दर्ज हुआ था, जो कि ग्राम मलखरिया के राकेश वाजपेयी पर धारा 307 का मुकदमा दर्ज हुआ था, जो कि अवधेश वाजपेयी के द्वारा दर्ज कराया गया था, जो कि राकेश वाजपेयी व उनके बेटे अब वही मुकदमा वापस लेने के लिए आए दिन गाली गलौज करते हैं और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही है, जिसका ऑडियो भी पीड़ित परिवार के पास है। ककवन पुलिस ने पीड़ित की कोई सुनवाई नहीं की, जिसके बाद पीड़ित परेशान होकर एसएसपी साहब से इसकी गुहार लगाई तो एसएसपी ने क्षेत्राधिकारी बिल्हौर से जांच के आदेश दिए। साहब ने जांच के आदेश तो दे दिया, लेकिन जब यह बात ककवन पुलिस को पता चली कि पीड़ित एसएसपी साहब के यहाँ पहुंच गया है, तो ककवन पुलिस ने अवधेश के परिजनों के लिए षड्यंत्र रच दिया। अवधेश के बड़े बेटे को फर्जी गुंडा एक्ट लगा दिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि मैं कहाँ जाऊँ। पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि थाना प्रभारी मुझे फर्जी और मुकदमे में फंसाने की बात कह रहे हैं। मैं आपका आंटी जी सरिता जी, कहाँ की निवासी हैं आप? कौन सा थाना है? क्या मामला है आपका? मामला ये है भैया पुराना, कि हमारे पति के ने कुल्हाड़ी मारी। किसने? राकेश वाजपेयी जी। आपके गांव के निवासी हैं? जी। पति की कुल्हाड़ी मार के ये भाग गए जी। बेटा दोनों नाबालिग रहे जी। कब ये विवाद हुआ था आपका? ये विवाद हुआ था भैया, ये है तारीख 2014 विवाद है। अच्छा, उसके बाद तब से था, मतलब वो 307 का मुकदमा इन तक कायम हुआ। पति के मार कुल्हाड़ी मारी, काफ़ी चोटें आई इनके, तो वो मुकदमा न्यायालय में चल रहा है। अच्छा। हाँ, तो न्यायालय में चल रहा, तो अब उसके गवाह गुजरबे वाले हैं भैया, और गवाह गुजरबे के वजह से ये रोज आए दिन दंगा फसाद कर रहे हैं। खूब गाली गलौज, बहुत गंदी गंदी गाली देते हैं। आके एक दिन 12 तारीख का हमारे घर घुसी आए भैया। अब इसकी सूचना आपने किसी थाना नंबर पर? 100 नंबर वाले पुलिस आई गाड़ी भैया, उनके सामने इनने हमसे कही कि मतलब गांव नहीं रहा, मैं बहुत मतलब बेचैन। जिसकी आईडियो वीडियो कुछ है आपके पास? हाँ, आईडियो है भैया, वीडियो तो नहीं रहा, मैं बन सकती है जी। आईडियो रिकॉर्डिंग है, पर कोई सुनवाई नहीं है ना, हमारी कोई कार्रवाई करी जा रही है। और कम से कम कोई गिनती नहीं, कितने बार हम थाने गए, कितने बार मतलब सबसे कोई एसपी के पास गए, तो एसपी साहब के इन 2 बार गए, सीओ साहब को उन्हें हमारे सामने फ़ोन करो आदेश करके कही कि तुरंत इनका मुकदमा पंजीकरण करो जाए, मगर कोई भैया आज तक सुनवाई नहीं है। और हमारे लिए ये सूचना करी गई, ये देखो हमारे बेटे पर झूठी गुंडा एक्ट का मुकदमा दायर कर दो। आपके कितने? 2 बेटे हैं? 2 बेटा हैं। दोनों बेटों पे गुंडा एक्ट लगाई गई है? एक बड़े बेटा पर। अच्छा, गुंडा एक्ट लगा दी गई। लगा दी गई। और छोटा बेटा हमारा स्कूल का बीएससी का छात्र है, एक दिन कॉलेज नहीं जा पा रहा है जी। हमारी कोई भैया सुनवाई नहीं है। थाना प्रभारी क्या कहते हैं? जब आप एप्लीकेशन लेके गई तो थाना प्रभारी ने क्या आश्वासन दिया आपको? थाना प्रभारी कुछ नहीं कह रहा, झुकुर की चोर रहा है वो तो चले गए, फिर बाद में ये आए थाना प्रभारी, ये बोले कि वाजपेयी का लिवाला हो तो हम उनसे बात करेंगे। तो हमने कही हमें बताओ आप कहा बात करिए, मगर छोटे लाल मिश्रा तुरंत बोल कर रहे थे कि इन पर ऐसे मुकदमा लगाओ जो कि ये जिंदगी भर लड़े, झूठे मुकदमा मत फंसाओ। ये छोटे लाल कौन है? छोटे लाल मिश्रा दीवान है, दीवान है वहाँ। हाँ। थाना ककवन के, थाना ककवन के। और राकेश वाजपेयी या राजेश वाजपेयी आए हैं ये साई, वे कही रहे जो हमारे पति जाए या लड़का जाए अंदर चलो, अंदर तुम्हें अभी जेल भिजवे। अच्छा, ये राजेश वाजपेयी धमकी दे थे भैया रोज आए दिन जेल भेजने की धमकी दे। हाँ। आपके लड़के को? नहीं, पति का मार जो 307 के मतलब छुटाई रहे शरीर, उनका धमकी दे रहे हैं और बेटन पर मार झूठी मुकदमा आए दिन लगा रहे हैं। एक गुंडा एक्ट लगाया और कोई मुकदमा लगा? 354 लगा दे झूठी भैया, 354 भी लगा है। हाँ। जिसकी कोई मतलब है कोर्ट माँ इनकी मतलब ये जो 354 कायम कराई है, एक कोई मतलब है सबूत नहीं है कोर्ट में, चार्जशीट नहीं लगाई है अभी तक। ना, ना, ना। कितने दिन हो गए हैं ये? 29 मार्च की बात है भैया। 29 मार्च से? हाँ। अभी तक चार्जशीट नहीं लगी? ना, ना, अभी कुछ नहीं।